जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आज के दिन जिस तरीके से बहुत बड़े लेवल पर बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि असलियत में पूरी दुनिया किस तरीके से बदल रही है और किस तरीके से चाइना जो है एक सुपर पावर बनने की तरफ जो बढ़ रहा है वो लगातार अपना अड़ियलपना दिखा रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप सुपर पावर बनने के रास्ते में ऐसे ऐसे कदम उठाना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से दूसरी जो पुरानी सुपर पावर है या एक रीजनल पावर है वो कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशंस उनको से बर्दाश्त नहीं होती, उनके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं और आपके कई कदम जो हैं वो बड़ी लड़ाई की तरफ या फिर यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ा देते हैं। आज मैं उसी के ऊपर एक ओवरऑल डिस्कशन करने जा रहा हूं कि चाइना के किस कदम से या चाइना के कौन से कदम लगातार अमेरिका को दबाव में डाल रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से चाइना से युद्ध की तैयारी करना शुरू कर दे या हो सकता है आने वाले समय में बहुत जल्दी ही युद्ध होना शुरू हो जाए। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इसको डिस्कशन को स्टार्ट करूं, उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन, ये चाहे आप स्कूल लेवल पर हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं या जॉब कर रहे हैं, तो आपको यूपीएससी के बेसिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी और इन बेसिक्स के लिए हमारा जीएस का एनसीईआरटी कंसेप्टर बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। ये लगातार चल रहा है, आप इससे जुड़कर अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि बच्चों को आपने देखा होगा या नॉर्मली बच्चों का सिलेक्शन कई बार एनसीईआरटी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से भी होते हैं। इसीलिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फीस हमने बहुत ही नॉमिनल इसलिए रखी है ताकि कोई भी स्टूडेंट एक बार क्लास स्टार्ट करके देखे कि क्या उसे यूपीएससी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तभी वो फर्दर हमारे हायर लेवल कोर्सेज की तरफ ध्यान दे सकता है। इसी के साथ दोस्तों, दूसरी सिचुएशन, दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप लेक्चरर प्रोफेशन, स्कूल टीचर का जो ग्रेड वन टीचर जिसे स्कूल लेक्चरर कहा जाता है उसका पेपर देने जा रहे हैं और आपका वैकल्पिक विषय, पेपर नंबर टू का वैकल्पिक विषय इतिहास है, तो हमारे ऑनलाइन बैचेस 10 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। इसके अंदर दोस्तों 10 अक्टूबर से ये जो बैच शुरू होगा इसकी हमने आपका उस पेपर का पेपर पार्ट 1, 2, 3, 4 चारों पार्ट हम यहीं पर करवाएंगे। फीस इसकी बहुत ज़्यादा नॉमिनल है, हम हजारों में या बहुत बड़ी फीस नहीं रख रहे हैं। 3,000 रुपीज़ कंप्लीट कोर्स की फीस है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। इसलिए फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप कॉल करें और जल्दी से जल्दी हमारी बैचेस के लिए एनरोल करवाएं। लिमिटेड सीट्स है, टेस्ट वगैरह की आप टेंशन ना लें, हम अपने आप करवाएंगे, आपके सिलेक्शन के तक हम आपके साथ खड़े होंगे। दोस्तों, इसके साथ दो इन्फॉर्मेशन ये हैं कि हमारा मेंस का बैच भी शुरू हो रहा है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो, और साथ में क्वेश्चन पेपर्स डिस्कशन जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करेगा अलग अलग डायमेंशन से, उस सब से आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, कॉन्टैक्ट करें ताकि आपको फर्दर इंफॉर्मेशन मिल सके। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक, अगर मैं टॉपिक की बात करूं दोस्तों यहां पर, तो दोस्तों देखो, असलियत में हम बात करते हैं नॉर्मली एक सुपर पावर की। जब आप बात करोगे सुपर पावर की तो इस टाइम पर इस दुनिया में मोटे तौर पर हम देखें तो सबसे सुपर पावर या सबसे बड़े लेवल पर जो है वो तो अमेरिका है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अमेरिका के सामने चाइना जो है वो लगातार खड़ा हो रहा है, ताकतवर बनकर उभर रहा है। अब एक बात बताइए, अगर अमेरिका के सामने चाइना ताकतवर बनकर उभर रहा है तो आप खुद सोच कर देखो यार, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चाइना उसको चैलेंज करे, और चाइना के पास मजबूरी है कि अगर वो सुपर पावर बनना चाहता है तो वो किसी भी तरीके से अमेरिका को खुली चुनौती दे। इसके अलावा चाइना के पास कोई चारा नहीं है। लेकिन समस्या क्या आती है दोस्तों, समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि इसीलिए यहां पर एक टकराव होगा, एक क्लैश होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। अब यहां इसी कॉन्फ्लिक्ट को अगर आप समझ जाएं तो अमेरिका और चाइना के बीच की लड़ाई को समझेंगे। ऑब्वियस सी बात है, चाइना इस समय पर अमेरिका को जिस तरीके से चुनौती दे रहा है उसमें अगर आप इकोनॉमिकली देखेंगे
तो इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI। दोस्तों इस BRI का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के लगभग जितने ज्यादा देशों को हो सके और जो गरीब हैं और जरूरतमंद देश हैं उनको जितना पैसा चाइना दे सकता है दे, वहां पर उसके रिसोर्सेस से लेकर हर चीज पर कब्जा करे, जिससे वो कहीं ना कहीं एक तरीके की कॉलोनी यानी उपनिवेश या गुलाम बन जाएं चाइना के। तो ये एक सीधा सीधा थ्रेट होगा अमेरिका के लिए, अमेरिकन डोमिनेंस के लिए। लेकिन इसके लिए तो अमेरिका अगर कुछ स्टेप्स उठा रहा है तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन असलियत में चाइना जो एनफोर्स कर रहा है वो है वन चाइना पॉलिसी। और इस वन चाइना पॉलिसी के अंदर देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, जिसमें चाइना ये कहता है कि भाई आप ये समझ लीजिए कि दुनिया में जो भी देश चाइना के विरोध में बात कर रहा है वो चाइना, मतलब वो चाइना को यूनाइटेड मानेगा, तभी मैं उससे बात करूंगा। अब इस वन चाइना पॉलिसी को अगर उठाकर देखते हैं तो दोस्तों, अगर आप मोटे तौर पर देखें तो चाइना जो है इस वन चाइना पॉलिसी के पार्ट में, एक तरफ तो अपने आप को हांगकांग के साथ में देखने की कोशिश करता है कि भाई ये जो हांगकांग है ये हमारे देश का हिस्सा है, दूसरा मकाओ जो है ये चाइना अपने देश का हिस्सा डोमिनेट करता है, तीसरा यहाँ पर वो ताइवान की बात करता है, चौथा तिब्बत के बारे में भी वो ये कहता है कि तिब्बत मेरा हिस्सा है। इसके साथ साथ आउटर मंगोलिया की बात भी करेगा कि भाई ये जो आउटर मंगोलिया है ये आउटर मंगोलिया भी चाइना का हिस्सा है। और इसके साथ साथ आज के दिन जिनजियांग प्रांत जो है वो उसके ऊपर भी चाइना डोमिनेट कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप देखते हैं तो चाइना की एक वन चाइना पॉलिसी है, इस वन सॉरी चाइना की एक क्या नाम है, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी का एक इशू है। असलियत में साउथ चाइना सी का जो इशू है, इसके अंदर साउथ चाइना सी, यहाँ चाइना ये दावा ठोकता है कि इसमें ये जो वर्ड चाइना है ये असलियत में चाइना कंट्री की वजह से है, और ये इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर चाइना का डोमिनेंस था, इसलिए साउथ चाइना सी हमारा है और इस पर पूरा लॉजिक हमारा होना चाहिए। और इसके लिए वो इंटरनेशनल लॉज जितने भी हैं उन सब को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये भी है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें यार, शेयर करें और जल्दी से जल्दी लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि यार हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। अब आप देखिए यहाँ चाइना ने जो गेम खेला है ना दोस्तों, वो ये गेम खेला है कि 1997 के आसपास उस चाइना ने हांगकॉन्ग को ब्रिटेन से लिया और ये कहा, मकाओ को भी लिया, और ये कहा कि अगले 50 साल तक यहाँ पर वन कंट्री टू सिस्टम की थ्योरी के अकॉर्डिंग हांगकांग जैसा चाहेगा वैसे रहेगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टेब्लिश होगा, और हम वादा करते हैं कि इसके डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट में खराबी नहीं आएगी। 2019 ये वो दौर है जब हांगकांग के ऊपर जो देशद्रोह कानून, जो कॉन्स्पिरेसी लॉज और नेशनल सिक्योरिटी लॉ लगाकर हांगकांग के देश के लोगों को, हांगकांग के लोगों को अपने कंट्रोल में किया, खूब जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे थे। दोस्तों ये वही दौर था जब इंडिया ने भी कश्मीर का इंटीग्रेशन किया। यहाँ आप खुलकर देख सकते हैं इंडिया के द्वारा कश्मीर के इंटीग्रेशन के बाद कश्मीर में चूं की आवाज भी नहीं निकली, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कुछ नहीं, लोग शांति से घर में बैठे हुए, और अब सिर्फ चीजें नॉर्मल होती जा रही हैं। लेकिन हांगकांग के अंदर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुए नेशनल सिक्योरिटी लॉ वाले, इसने असलियत में मकाओ की आंखें खोल दी, और मकाओ के अंदर भी वैसे ही काफी हद तक प्रोटेस्ट शुरू हो गए, लेकिन उस लेवल के नहीं थे जो हांगकांग के लिए थे, क्योंकि हांगकांग बड़ा देश है और वो कहीं बड़ा एक पार्ट है जिसके अंदर 1.5-2 करोड़ के करीब की आबादी भी है, 1.25 करोड़ के करीब की आबादी है, और चाइना उनका गला दबाने पे तैयार है और गला दबा चुका है। लेकिन इसका बुरा असर क्या होगा, ये सीधे सीधे तौर पर एक इंटरनेशनल लेवल पर किए गए एग्रीमेंट को ठेंगा दिखाते हुए अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश है।
अब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जब आप इससे घबरा जाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, तो मतलब ऐसा कोई स्टेप उठाते हैं, और वन चाइना पॉलिसी जो बात करता है, वन चाइना पॉलिसी की जो बात चाइना करता है, उसे कहीं ना कहीं यहां पर चाइना जो है वो एग्रेसिवली आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो वन चाइना पॉलिसी, ऐसे में चाइना अगला दावा ठोकता है ताइवान के ऊपर, और ये कहता है कि ये जो ताइवान है ये चाइना का हिस्सा है। दोस्तों ये जान के हैरानी होगी कि शुरू में ताइवान ही यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर था। ये अमेरिका ही था जिसने ताइवान को हटाकर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ चाइना, जो कि 1967 की बात है ये, उसमें चाइना को वहां यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर बना दिया। अब ऐसी सिचुएशन में ताइवान जो है उसको कोई राइट्स ही नहीं दिए गए, लेकिन अमेरिका ने ताइवान से वादा किया कि वो उसकी रक्षा करेगा। यानी यहां अमेरिका की डबल रोल आप खुद सोचकर देख सकते हैं कि कम्युनिस्ट रजीम को, क्योंकि उसे रशिया से बदला लेने के लिए, उसे कमजोर करने के लिए कम्युनिस्ट रजीम को सपोर्ट करना था, तो उसने ताइवान को, सॉरी चाइना को रिकॉग्निशन दे दी, लेकिन ताइवान को भी अपने पावर में रखना ताकि चाइना कल को फालतू बोले तो ताइवान के टापू पर खड़ा होकर चाइना से लड़ सके, इसलिए ताइवान को भी अपने पक्ष में रखा। अब लगभग लगभग 50 साल हो चुके हैं, और इस 50 साल के पीरियड के अंदर, 50 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है, ताइवान के अंदर इस तरीके की रजीम्स थी कि ताइवान वाले आधे कहते थे कि हम अलग हैं, हमें चाइना से कोई मतलब नहीं, लेकिन कुछ 1%, कुछ परसेंट, 30-40% लोग ऐसे भी थे जो ये कहते थे कि हम ताइवानी भी, हम चाइनीज भी, हम चाइनीज ताइवानीज चाइनीज हैं, यानी ताइवान के अंदर रहने वाले चाइनीज हैं। लेकिन जो हाल चाइना ने हांगकांग का किया, और जितनी भी उनकी लिबर्टीज थी, राइट्स थे, सारे के सारे छीन लिए, जितने भी उनके लिबर्टीज थे, राइट्स थे, वो सारे के सारे छीन लिए, उसने ताइवान को डरा के रख दिया। और अब ताइवान ने साई इंग वेन नाम की, जो आज के दिन इनकी राष्ट्रपति है, उसकी लीडरशिप में खुले तौर पर कहना शुरू कर दिया कि ताइवान जो है वो चीन का हिस्सा नहीं है, ताइवान एक अलग देश है। अभी मैं इसके अंदर तिब्बत की बात नहीं कर रहा, आउटर मंगोलिया की बात नहीं कर रहा, शिंजियांग की बात नहीं कर रहा, साउथ चाइना सी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। अब आ जाते हैं, अगर आपको ये छोटा सा फ्लो चार्ट अगर समझ में आ गया है, तो अब आ जाते हैं मैप के ऊपर। अब आप इसमें मैप में देखिए, आपको मैप में काफी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि असलियत में दोस्तों ये साउथ चाइना सी है जहां पर सारे का सारा कलेश है, लेकिन साथ में ये जो एक छोटा सा टापू दिखाई दे रहा है ये है ताइवान, और असलियत में सारा कलेश इस ताइवान को लेकर ही है। क्यों है इसका कलेश ताइवान को लेकर? क्योंकि हांगकांग और मकाऊ का चाइना ने जो दुर्गति करी या बुरा हाल किया, और उसके बाद यहां इस साउथ चाइना सी पे जो दावा ठोका जा रहा है, उसके लिए ये एक बहुत बड़े बैरियर की तरह काम करेगा। असलियत में यहां देखें कि असलियत में यहां पर ये जो पूरा रास्ता है, ये इधर मलक्का स्ट्रेट से होते हुए दुनिया के अलग अलग ट्रेड रूट से ये जुड़ा हुआ है, यानी ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट ऑफ दिस वर्ल्ड है, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट ऑफ दिस वर्ल्ड है। ऑफ अगर आप ये कहें कि भाई ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, दुनिया का लगभग 60% ट्रेड यहीं से होकर गुजरता है। और सबसे बड़ी बात, इस साउथ चाइना सी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो हद से ज्यादा है, संसाधन बहुत ज्यादा हैं, ऑयल, पेट्रोल और सब चीजें। चाइना अपनी इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा रिसोर्सेज को इंश्योर करना चाहता है और ट्रेड को सिक्योरिटी देना चाहता है। अब आप सोचकर देखिए, दुनिया जिस रास्ते से, आपके एरिया में भी, आपके मोहल्ले में या आपके एरिया में एक सबसे इंपॉर्टेंट गली है, उस गली पे एक गुंडा कब्जा कर लेता है, और उस गली पे कब्जा करने के बाद अपने गुंडे बिठाता है, अपनी फौज टाइप की या जो भी है, हथियारबंद गुंडे बिठाकर ये कह लेता है कि इस पूरी गली के ऊपर मेरा हक है, मेरे कब्जे में रहेगी, और अब कोई भी इस रास्ते से निकलेगा, आएगा या जाएगा, वो मुझे बता के आएगा जाएगा, मेरी परमिशन से जाएगा, और मेरे मन करेगा तो मैं टैक्स भी वसूलूंगा। चाइना यही यहां पर कर रहा है। यहां वियतनाम, मलेशिया,
फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्रुनेई से लेकर जो भी यहाँ देश है, इन सबको ठेंगा दिखाकर कह रहा है कि इनमें तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये ऐसा ही एक गुंडई है कि आपकी गली के ऊपर कब्जा करके उस एरिया में रहने वाले, उस मोहल्ले में रहने वाले सभी लोगों को डरा धमका के ये कह रहा है कि तुम यहां पर कुछ नहीं बोलोगे, सारा इलाका मेरा है और ये सारा एरिया मेरा है। चाइना यही कर रहा है साउथ चाइना सी में। और उसके बाद यहां पर अमेरिका जो है, अब सोचकर देखिए, यहां अमेरिका है, जापान है, इंडिया है, ये इस इलाके को डोमिनेट करते भी हों, लेकिन यहां अगर चाइना का कब्जा हो जाता है तो दुनिया का 60% ट्रेड चाइना के डोमिनेंस में आ जाएगा। यहां चाइना ने इसके लिए जो है आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए, यानी मिट्टी ला ला के डाली और अपना एक पूरे का पूरा ये आइलैंड खड़ा कर लिया, वहां जहाज खड़े कर दिए। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो जो गली का गुंडा है वो गली के बीच में अपना एक बिल्डिंग से खड़ी कर दे, या अब चौराहे के बीच में अपनी बिल्डिंग खड़ी कर दे कि पूरा एरिया मेरा है और पूरा मोहल्ला कुछ ना कर पाए। असलियत में लड़ाई यहीं से शुरू होती है। और यहां ये ताइवान बैरियर, यानी सबसे बड़ा एक स्पीड ब्रेकर रुकावट है, कि ताइवान के ऊपर कब्जा करके असलियत में चाइना पूरी दुनिया के, खासकर अमेरिका के पेशेंस को चेक करना चाहता है, अमेरिका की ताकत को चेक करना चाहता है कि अगर ताइवान पे कब्जा हो जाता है और अमेरिका कुछ नहीं कर पाता, रुकावट नहीं बन पाता, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर वो ताकत नहीं बची जो कि अमेरिका में होती थी, और अमेरिका की इतनी औकात नहीं बची कि वो ताइवान को रोक सके या चाइना को, ताइवान को बचा सके या चाइना को रोक सके। अब सोच कर देखिए, अगर ये रियलिटी हो जाए तो इसका मतलब ये है कि अगला टारगेट जापान होगा, जापान को दबाएगा। उसके बाद, क्योंकि जापान हथियार तो रखता नहीं है, सेना भी सिर्फ नॉमिनल रखता है, उसके अलावा कुछ रखता ही नहीं है, उसके बाद वो साउथ कोरिया को दबाएगा, उसके बाद फिलीपींस को दबाएगा, वियतनाम से लेकर इंडोनेशिया मलेशिया तक जितने भी देश हैं सबको दबाएगा। यानी अगर ताइवान हार जाता है तो सीधा सीधा इसका, इसे कहा जाता है डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट का मतलब होता है एक गिरा तो उसके बाद एक एक करके सारे गिरेंगे। तो डोमिनो इफेक्ट दिखाई देगा, और जैसे ही डोमिनो इफेक्ट दिखाई देगा दोस्तों, इस पूरे इलाके के अंदर सिर्फ और सिर्फ चाइना ही चाइना बचेगा। तो क्या सिर्फ चाइना यहां पर इस इलाके पर कब्जा करके बैठ जाएगा? तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। असलियत में ये दुनिया जो है ये घूम रही है सेमीकंडक्टर के ऊपर, और सेमीकंडक्टर के ऊपर जिस तरीके से घूम रही है, यानी आपके इस, मैं जिस वीडियो फोन, जिस फोन में वीडियो बना रहा हूं, जिस टैब में लिख रहा हूं, मेरे पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, यहां तक कि गाड़ी है और दूसरे टीवी से लेकर रिमोट से लेकर जहां पर भी हैं, यहां हर चीज के अंदर आ रहा है सेमीकंडक्टर। और दुनिया का लगभग लगभग 60% सेमीकंडक्टर सिर्फ और सिर्फ ताइवान के अंदर बन रहा है। और ताइवान पे कब्जे का मतलब ये है कि पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी का 60% इलाका, 6% तो चाइना खुद भी बनाता है, 60% ताइवान बनाता है, 66% सेमीकंडक्टर सिर्फ और सिर्फ, 66% सेमीकंडक्टर सिर्फ और सिर्फ ताइवान के, चाइना के कंट्रोल में हो जाएगा। यानी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चाइना कंट्रोल कर रहा होगा। सोच कर देखो, दुनिया के ट्रेड रूट पर कब्जा, इकोनॉमी पर कब्जा, उसके बाद क्या वो इंडिया से लेकर रशिया से लेकर और किसी के सामने कहीं पर दबेगा? नहीं दबेगा। यही कारण है कि चाइना लगातार टेस्ट कर रहा है कि अमेरिका की औकात क्या है और अमेरिका चाहता क्या है। और इसीलिए पिछले कुछ 3-4 दिनों में लगातार देखेंगे, आपको खबरें मिल रही होंगी कि चाइना के 35 फाइटर जेट्स जो हैं वो ताइवान में घुस गए, फिर उसके बाद 30 जो घुस गए, फिर 20 घुस गए, फिर 58 घुस गए। अब तक लगभग लगभग 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स जो हैं चाइना ताइवान भेज रहा है। क्या वो युद्ध करना चाहता है? युद्ध से पहले एक होती है पॉलिसी ऑफ ब्रिंकमैनशिप। इस पॉलिसी ऑफ ब्रिंकमैनशिप का मतलब ये होता है घुरकी डालने की नीति, जानबूझकर सामने वाले का, टू चेक द पेशेंस ऑफ अदर अपोनेंट, दूसरे का जो पेशेंस है, दूसरे का जो पेशेंस है उसे चेक करने की नीति, कि सामने वाले का सब्र कितना है।
अगर सामने वाले का सब्र टूट रहा है और सामने वाले ने मजबूती के साथ धोखा मजबूती के साथ जवाब देना शुरू कर दिया तो उसका अल्टीमेट टारगेट होता है वॉर। पहले जर्मनी में जो कैसर विलियम था वर्ल्ड वॉर वन से पहले, कैसर विलियम भी यही कर रहा था और हिटलर भी यही कर रहा था और शी जिनपिंग भी यही कर रहा है। तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है अगर शी जिनपिंग को दुनिया का हिटलर कहा जाए। और इस समय पर पूरी दुनिया एक तरीके से तलवार की धार पर चल रही है कि थोड़ी सी एक गलती, अब वो पेशेंस चेक है ना कि हम तुम्हारे इलाके में आ गए बोलो क्या करोगे, अब वो इंडिया के इलाके में आते हैं इंडिया तो मुंह तोड़ जवाब देता है क्योंकि इंडिया ताकतवर है, ताइवान ताकतवर नहीं है और ताइवान इतना ताकतवर नहीं है कि चाइना का बराबरी से मुकाबला कर सके और ताइवान इतना ताकतवर भी नहीं है कि उसके टेरेन को तैयार कर सके। और यही रीजन है असली लड़ाई इंडिया के साथ नहीं है, असली लड़ाई ताइवान के ऊपर कब्जे की है। और अगर आप सोचते हैं कि असली लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ताइवान के ऊपर कब्जे की है तो भूल जाइए, उससे ज्यादा बड़ी लड़ाई असलियत में शी जिनपिंग की है। जो शी जिनपिंग जो हैं वो 2013 के अंदर प्रीमियर ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बने थे और 2023 के अंदर वो चाहता है कि दोबारा से चाइना का राष्ट्रपति बने और चाइना का राष्ट्रपति बनने के लिए वो अपने आप को मोर पावरफुल देन माओ ज़ेडोंग से, मतलब माओ ज़ेडोंग से ज्यादा ताकतवर दिखाना चाहता है और उसके लिए उसे किसी भी तरीके से, क्योंकि वो ताकतवर दिखाना चाहता है इसलिए उसके लिए इसे किसी भी तरीके से अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए उसे हर वो काम करना पड़ेगा जो कि माओ ज़ेडोंग ने कभी सपना भी देखा था। यानी वो तिब्बत की जो फाइव फिंगर्स हैं, तिब्बत की जो फाइव फिंगर्स हैं जिसमें लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल और उसके बाद ये पूरा हिस्सा हिमाचल और उत्तराखंड का, इस पर उंगलीबाजी कर रहा है। भूटान, इस पर उंगलीबाजी कर रहा है। इसी तरीके से वो साउथ चाइना सी के अगर सपने देख रहा है तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में साउथ चाइना सी को, ताकि दुनिया को दिखाए, खासकर अपने देश वालों को दिखाए कि देखिए मैं कितना ताकतवर हूं। ताइवान को इंटीग्रेट करना माओ ज़ेडोंग की इच्छा थी कि वो ताइवान को अपने देश में मिला ले, लेकिन नेवी ना होने की वजह से और सर्कमस्टेंसेस उसके फेवर में ना होने की वजह से माओ ज़ेडोंग ताइवान को अपने फेवर में नहीं मिला पाया, इसलिए उस सपने को पूरा करना और उसके बाद इस पूरे इलाके में अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करके अमेरिका को कॉपी करना कि अमेरिका जिस तरीके से साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा करके या डोमिनेंस दिखाकर पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पे दबदबा बनाए रखना चाहता है या दबदबा बनाए रखता है। चाइना इस पूरे इलाके में दबदबा बनाकर साथ में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान पे डोमिनेंस दिखाकर और अगर पॉसिबल हो तो इंडिया पे अपना डोमिनेंस दिखाकर इन सबको अपने दबाव में रखना चाहेगा। और यही लड़ाई है, यही सर्वाइवल की लड़ाई है, यही एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। हर हिंदुस्तानी को भी समझना पड़ेगा कि इस लड़ाई को लड़ना है। यहां माओ ज़ेडोंग की पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए शी जिनपिंग दुनिया का नया हिटलर बनकर उभरा है और आगे आने वाले समय में हमारे लिए यही दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। और अमेरिका जो इस समय पर कमजोर भले ही हो रहा है लेकिन जीरो नहीं हुआ, और अमेरिका और उसके अलाइज जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं। यही रीजन है अमेरिका ने सबसे पहले क्या किया, अमेरिका ने सबसे पहले अफगानिस्तान से अपने आप को फ्री किया ताकि चाइना वहां पर जाकर फंस कर खड़ा हो जाए, हो रहा है। दूसरा, अपना पूरा फोकस यहां किया, क्वाड बनाया, उसके ऊपर भी क्वेश्चन जो भी खड़े हो रहे हैं उसके ऊपर मैं जवाब दे दूंगा, कोई ऐसी समस्या नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। और ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देने का मतलब क्या है कि भैया ऑस्ट्रेलिया को मजबूत करो। जापान जो है वो अपनी दोबारा से न्यूक्लियर पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहा है तो जापान को मजबूत करो। यानी 4-3 देश यहाँ मजबूत खड़े हुए हैं और इनका लीडर अमेरिका खड़ा हुआ है, ये सबसे ज्यादा फेवर की बात। और यहीं से चाइना को काउंटर करने की पॉलिसी है। लेकिन अमेरिका, चाइना कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका इन सबको ताकतवर कर सके। इन चारों में सिर्फ और सिर्फ दो ताकतवर हैं, एक अमेरिका जो बहुत ताकतवर है, दूसरा इंडिया जो सच में चाइना का डटकर मुकाबला कर सकता है और पॉसिबली चाइना को पटखनी दे सकता है। ऑस्ट्रेलिया की इतनी औकात नहीं है इसलिए उसे मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। जापान की इतनी औकात नहीं है लेकिन उसे मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। जापान के पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, सेना नहीं है,
और इसलिए अब उसको भी कहा जा रहा है कि भाई तू भी मजबूत हो जा वरना एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाएगा। और यही एक रीजन है कि यहाँ पूरी की पूरी सिचुएशंस या सिनारियो जो है वो चाइना के चाइना वर्सेस अमेरिका खुल के हो चुका है और ताइवान उसका एक मोहरा है, ताइवान एक बैरियर है जहां दोनों के दोनों आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं। चाइना के लिए वो चैलेंज इसलिए है कि 2023 से पहले पहले अगर कब्जा कर लिया तो शी जिनपिंग नंबर वन हो जाएगा, इसको हटाने वाला कोई नहीं। और ऐसा नहीं है बाहरी बार सब कुछ है, चाइना के अंदर भी बहुत कुछ खतरनाक चल रहा है। इसके ऊपर फिर कभी डिस्कशन करेंगे कि चाइना जितना ताकतवर दिख रहा है उतना है नहीं, इस पर फिर कभी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, रिक्वेस्ट यही है अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज थोड़ा हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं और दोस्तों को बताएं, क्योंकि जेन्युइन नॉलेज चाहते हैं तो हमें भी मोटिवेशन करो यार। धन्यवाद।